विप्रो जो एक फ्रेशर को 3.5 एलपीए से लेकर 7 एलपीए तक का पैकेज देता है। तो अगर आप विप्रो में काम करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको विप्रो की कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। सुमर भाई, ऑन कैंपस क्या होता है, ऑफ कैंपस क्या होता है, विप्रो एनटीएच क्या होता है, विल्प क्या होता है, सिम क्या होता है, भैया एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। मोटा मोटा अगर आप एक फ्रेशर और विप्रो की जैसी कंपनी में काम करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि फ्रेशर कैसे एंट्री मार सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम सुमर सिंह राजप्रीत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको विप्रो की कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं कि विप्रो इंजीनियर्स को तो हायर करता ही है, पर इसी के साथ साथ बीसी और बीएससी स्टूडेंट्स को भी हायर करता है। उसी के साथ साथ ही डिप्लोमा स्टूडेंट्स को भी हायर करता है और इनको हायर एजुकेशन के लिए पैसे भी प्रोवाइड करता है। पर वो क्या चीज़ है, कैसे है, तो मैं आपको इनके हर एक प्रोग्राम को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। कैसे इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, राउंड्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ मैंने TCS हायरिंग प्रोसेस की भी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, इन्फोसिस की भी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है और ऐसे में और भी बहुत सारी कंपनीज की कंप्लीट वीडियोस लाने वाला हूँ। तो अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ईयर फाइनल में हो या फिर आगे जाके प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो ये एक अकेला चैनल है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लेसमेंट्स की वीडियोस लाता हूँ, तैयारी कैसे करनी है, हायरिंग प्रोसेस, सब कुछ। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भैया, वो लाल बटन पर फटाफट क्लिक करो। ये वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 1500 लाइक, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि विप्रो कौन से तरीके से हायर करता है एज ए फ्रेशर को। तो टोटल 4 तरीके होते हैं जिसके थ्रू विप्रो फ्रेशर को हायर करता है। वो कौन से, चलो बता दो। सबसे पहले ऑन कैंपस हायरिंग, मतलब विप्रो खुद आपके कॉलेज में आके आपको हायर करेगा, क्लियर है। दूसरा है विप्रो NTH, मतलब समझो विप्रो आपके कॉलेज में नहीं आता तो ये एक ऑफ कैंपस टेस्ट रखता है। इनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसका नाम है विप्रो नेशनल टैलेंट हंट, जिसके थ्रू ये इंजीनियर्स को हायर करता है। उसके अलावा एक और चीज़ है जिसको कहते हैं विप्रो विल्प। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर बीसीए के स्टूडेंट हो और विप्रो में काम करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम जिसका नाम है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, इसके थ्रू आप विप्रो में हायर हो सकते हो। ये फ्रेशर्स को बीएससी और बीसीए वालों को यहाँ से हायर करता है। इसकी डिटेल मैं और भी बताऊंगा कि साथ में आपको आगे एमटेक करने का भी मौका देता है, वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर एक प्रोग्राम है जो है विप्रो सिम, जिसका फुल फॉर्म है स्कूल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे ये विप्रो डिप्लोमा स्टूडेंट जो है उनको हायर करता है और साथ में आगे बीटेक करने का भी मौका देता है। इतना क्लियर है कि ये 4 तरीके जिसके थ्रू विप्रो हायर करता है। अब एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ऑन कैंपस और विप्रो NTH कि इसमें क्या रोल होते हैं और इनका प्रोसेस क्या होता है। ऑन कैंपस ये कॉलेज में आके हायर करता है, ऑफ कैंपस बोलो तो विप्रो NTH इनका एक टेस्ट होगा। प्रोसेस सेम होता है, क्या क्या रोल होते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यार 2 रोल है, प्रोजेक्ट इंजीनियर 3.5 एलपीए का पैकेज देता है, दूसरा विप्रो टर्बो इंजीनियर है जहाँ पे आपको 7 एलपीए का पैकेज मिलेगा। प्रोसेस क्या, प्रोसेस सेम है। सबसे पहला जो आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा जहाँ पे आपको वर्बल कॉन्ट और रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। उसके बाद आपका एक ऐसे राइटिंग होगा जो एक टॉपिक दी जाएगी, 20 मिनट पूछा रहेगा। उसके बाद अपना होता है कोडिंग जिसमें आपको 2 क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू होता है। अब आपका सवाल आता है कि सुमर भाई लेकिन इसके अंदर क्या क्या पूछते हैं, चलो वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्वांट्स के अंदर देखो 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 मिनट आपको मिलेगा मीडियम। क्वांट्स लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश ग्रामर होता है। लॉजिकल रीजनिंग के 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 14 मिनट मिलेगी आपको, डिफिकल्टी होती है हाई। उसके बाद वर्बल जो है यहाँ पे आपको 22 क्वेश्चन मिलते हैं, 18 मिनट्स होती है और डिफिकल्टी होती है मीडियम। रिटन कम्युनिकेशन मैंने बताया था, एक टॉपिक आपको दिया जाएगा जिसमें आपको 20 मिनट उसके बारे में लिखना है और मीडियम उसकी डिफिकल्टी होगी। कोडिंग के 2 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट्स आपको मिलेंगी, हाई लिखा हुआ है पर एक ईजी क्वेश्चन होता है, एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। अब आपको इसका अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो हमने हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे LMT जॉब अपडेट, जहाँ पे हम रोज जॉब अपडेट डालते हैं, उसमें मैं इसका डिटेल PDF डाल दूंगा। लेकिन मेरे को कमेंट में आई वॉन्ट PDF 100 प्लस चाहिए, 100 प्लस आई वॉन्ट PDF डाल दो, मैं आपको डिटेल PDF इसका सिलेबस का मस्त बना के पुट आउट कर दूंगा, क्लियर है। तो टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन हायर इधर हो सकता है। तो BE BTech वाले और ME MTech वाले इसमें हायर हो सकते हैं, लेकिन आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं, मैकेनिकल, सिविल, कॉम्स, IT, ESTC, लेकिन कुछ को छोड़ के, वो क्या है, फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी को छोड़ के बाकी सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। 60% या फिर 6 CGPA अपना होना चाहिए। ओनली फुल टाइम कोर्स, मतलब पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग वाले नहीं है। 10वीं में आपका 60% होना चाहिए, 12वीं में आपका 60% होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको 1 KT अलाउड है जब आप टेस्ट दे रहे हो, लेकिन जब आपका ऑफर लेटर आया, जॉब शुरू कर रहे हो तो KTVT अलाउड नहीं है भैया।
मैक्सिमम आपको 3 साल का गैप अलाउड है, 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक 3 साल कहीं गैप लग गया तो अलाउड है। कैंडिडेट हुआ पार्टिसिपेटेड इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप विप्रो में कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस के पिछले 6 महीने में पार्टिसिपेट किए हो तो आप ये चीज़ पे अलाउड नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं होंगे। इतना क्लियर हो गया। तो ये था विप्रो ऑन कैंपस और विप्रो अपना जो है NTH वाला प्रोग्राम, इसकी कंप्लीट मैंने आपको प्रोसेस बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे बढ़ने के पहले प्रोसेस को जानने के लिए एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे तो 2023 में हायरिंग फूक फूक के हुई है। जो कंपनी 30,000-40,000 लोगों को हायर कर रही थी वो भी भाई आराम से देख के कर रही है। तो कैसा कि पहले लोग मुंह उठा के दे देते थे कि हाँ भाई, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब कोई भी कंपनी ऐसे ही किसी को नहीं उठाना चाहती, तो आपको तगड़ी तैयारी करके ही कोई भी प्रोसेस में जा रहे हो तो प्रिपेयर्ड होके जाना, क्लियर है? वरना लोग तो 70% एप्टीट्यूड में निकल जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा भाई, क्योंकि 4 साल बहुत ऐसे ही निकाल दिए, अब मेहनत करके इसको क्रैक करना है। अगर आप एक ऐसी रिसोर्स चाहते हो जहाँ पे मैं हर चीज़ की आप एक ही जगह पे प्रिपेयर कर पाओ, जैसे एप्टीट्यूड हो जाए आपका, उसके साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, कोडिंग के नोट्स मिल जाए प्रॉपरली, और विप्रो के भी अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट मिल जाए, तो LMT ने आपके लिए एक स्टडी मटेरियल बनाया है, LMT कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जिससे कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिससे कैसा पेपर आएगा वैसे ही आप यहाँ पे प्रिपेयर करके जाओगे तो आप ब्लैंक नहीं होंगे। तो अगर आप एक ही जगह से प्रिपेयर करना चाहते हो तो LMT का कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स ले सकते हो, या फिर अगर आपको सिर्फ विप्रो का स्टडी मटेरियल चाहिए जो हमारा बहुत अफोर्डेबल है, मतलब एकदम ही कम प्राइस का है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे डेडिकेटेड हमने विप्रो के लिए सिर्फ स्टडी मटेरियल बनाया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो आगे बढ़ते हैं। ओके भैया, तो अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जो है विप्रो विल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये किन के लिए है? ये है BC और BSc के स्टूडेंट्स के लिए। इसका फुल फॉर्म है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका रोल होगा स्कॉलर ट्रेनी। इसका प्रोसेस क्या सुन रहा है चलो बता देते। सबसे पहले यहाँ पे भी ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है जिसमें वर्बल लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन आएंगे। एक रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट यहाँ पे भी होगा 20 मिनट का भैया, वही एक टॉपिक दिया जाएगा। उसके बाद आपका टेक्निकल और HR राउंड होगा, पर यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखो, अगर आप BCA और BSc के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे ये आपको आगे MTech भी कराएंगे। तो अगर आपको MTech कराएंगे तो इनके खुद के पैसे डाल के कराएंगे, क्लियर है? तो इनका खुद का कुछ बॉन्ड वाला भी सीन है जो आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ ट्रेनिंग एग्रीमेंट ऑफ 60 मंथ। 60 मंथ बोलो तो ओवरऑल 5 साल होते हैं। अगर आपने इसके बीच में कंपनी छोड़ी तो आपको 75,000 बेस पे करके जाना पड़ेगा, उसके पहले आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। तो ये आपको BTech करा, मतलब आगे जाके MTech कराएंगे, आपके पैसे भी पे करेंगे, पर ये है कि आपको कंपनी में रहना पड़ेगा 5 साल। इतना क्लियर है? इसका रिक्रूटमेंट मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। प्रोसेस तो समझ गया? हाँ सुमित भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 60% होना चाहिए, 6 CGPA होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक रहेगा चलेगा। BCA के स्टूडेंट एलिजिबल है, BSc के एलिजिबल है, पर ये कुछ स्ट्रीम है कॉम्स, IT, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। एक बैकग्राउंड अलाउड है ऑनलाइन असेसमेंट के टाइम, पर हायरिंग के टाइम नहीं होगा भैया, बाद में हटा देना चाहिए। मैक्सिमम 3 ईयर का गैप अलाउड है, लेकिन कब? 10वीं और 12वीं तक। एक बार आपने ग्रेजुएशन शुरू कर दिया तो ग्रेजुएशन 3 साल की, तो आपके 3 साल में ही होनी चाहिए, चाहे वो BCA हो या फिर BSc हो। नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ग्रेजुएशन, और कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर द टेस्ट प्रोसेस हु हैव कंप्लीटेड 3 मंथ ऑफ कुल। कुल पीरियड क्या होता है कि समझो आपने 3 महीने के पहले कोई टेस्ट दिया है विप्रो का, तो उसके पहले मतलब 3 महीने के अंदर अंदर वापस आप टेस्ट नहीं दे सकते, समझ रहे हो? तो 3 महीने तक अगर आपने अलाउड अप्लाई किया तो आप नहीं कर सकते, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा आ जाते हैं जो है सिम प्रोग्राम, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। स्कूल फॉर IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये। यहाँ पे ज़्यादा इन्होंने डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या होता है। आपकी जो डेजिग्नेशन होगी वो स्कॉलर ट्रेनी की होगी। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट होगा, फिर बिजनेस डिस्कशन होगा, फिर ऑफर लेटर होगा। तो रजिस्ट्रेशन में जो भी पर्सन सिलेक्ट होता है, ऑनलाइन असेसमेंट उनका ही होगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड टू टेक एन 40-मिनट ऑनलाइन असेसमेंट दैट विल टेस्ट विल बी वर्बल एनालिटिक क्वांटिटेटिव एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स पे। यहाँ पे भी मैं ये बता देता हूँ जितना मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो, आपने समझो डिप्लोमा किया है और आप आगे इंजीनियरिंग भी करना चाहते हो, तो आप विप्रो के साथ जुड़ के, विप्रो के यहाँ पे आपको कंप्लीटली काम भी करना पड़ेगा, पर इसी के साथ साथ ये आपको इंजीनियरिंग भी कराएगा, क्लियर है? तो इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। 50% होना चाहिए 10वीं या फिर 12वीं में, 60% होना चाहिए आपके डिप्लोमा कोर्सेज में। आप डिप्लोमा कौन से ब्रांच से किए हो ये भी बता रहे हैं लोग, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इन चीज़ें अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ये सॉर्टेड है आपके लिए।
मैक्सिमम एक एक्टिव बैकलॉग होना चाहिए इंटरव्यू स्टेज के बारे में। ऑफर विल बी गिवन सब्जेक्टेड टू ऑल बैकलॉग क्लियरेंस, मतलब सारी कैटी क्लियर है तभी आपको ऑफर मिला जाएगा। मैक्सिमम 3 साल का गैप अलाउड है 10वीं तक का मतलब, एंड कमिटमेंट ऑफ द डिप्लोमा प्रोग्राम, मतलब डिप्लोमा शुरू होने के पहले 10वीं तक अगर आपको कहीं अलाउड गैप वेप लगा है तो चलेगा, पर कोई भी गैप अलाउड नहीं है डिप्लोमा प्रोग्राम के थ्रू। डिप्लोमा प्रोग्राम मतलब 10वीं का अगर आप शुरू करते हो तो ये 3 साल का होता है, तो उसमें आपको कोई गैप नहीं रहना चाहिए। कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेटेड इन सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन द लास्ट 3 months आर नॉट एलिजिबल। वही बात हो गई भैया कि अगले 3 महीने के पहले आपने इसको अप्लाई किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये था विप्रो के चारों हायरिंग प्रोसेस। तो भैया ये थी विप्रो की हायरिंग प्रोसेस, काफ़ी डिटेल में हमने इसको अपने हिसाब से बताया कि देखो ऐसा 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 है, पर मेन चीज़ यही है कि देखो अभी जॉब्स उतनी फटफट नहीं मिल रही, तो कहीं भी जाओ, चाहे आप LMT के स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर करो जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप खुद से प्रिपेयर करो, लेकिन मेहनत करना, ऐसा नहीं कि मिल जाएगी। मेहनत करोगे तो क्यों नहीं मिलेगी, थोड़े रिजेक्शन हो गए पर हो जाएगा। और सुमेर भाई तो कहते ही है ना कि यार कौन नहीं कर सकता, सुमेर भाई ने भी तो अपनी चीज़ें ऐसे ही की ना, कुछ नहीं हो रहा था, तो आप भी कर सकते हो और आप करके दिखाओगे। खुद पर विश्वास करना, खुद पर डाउट मत करना और बहुत मेहनत करना। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर डेली जॉब अपडेट आ रही है, वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी मत मिस करो। और बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।